हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर चैप्टर नंबर फोर्टीन टेंसेस यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेंसेस किसे कहते हैं टेंसेस कितने प्रकार के हैं और टेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे सो अस स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है आई वेंट टू आगरा अब हाईलाइटेड वर्ड है वेंट सेकेंड में आई एम गोइंग टू आगरा थर्ड आई विल गो टू आगरा अब ये तीन सेंटेंसेज में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वेंट आई एम गोइंग एंड विल अब देखिए बच्चों यहाँ पर विल नहीं होगा यहाँ पर शैल होगा अब ये शैल क्यों होगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ओके अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि हाईलाइटेड वर्ड्स है वेंट आई एम गोइंग एंड शैल इन द थ्री सेंटेंसेस अब यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है आई वेंट मतलब वो जा चुका है यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है आई एम गोइंग टू मतलब मैं जा रहा हूँ और थर्ड में बोल रहा है आई शैल गो टू आगरा अभी मैं गया नहीं हूँ मैं फ्यूचर में या भविष्य में आगरा जाऊँगा तो ये तीन ही डिफरेंट स्टेट्स है बच्चे का जिसमें वो बता रहा है कि वो आगरा के रिलेटेड क्या कर रहा है ठीक है अब आइए पढ़ते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ब इज इन पास टेंस वेंट मतलब मैं जा चुका हूँ सेकेंड सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस आई एम गोइंग टू आगरा अभी मैं आगरा जा रहा हूँ अभी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में मैं मैं आगरा जा रहा हूँ इन द थर्ड सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ब इज़ इन फ्यूचर टेंस आई शैल गो टू आगरा मैं आगरा जाऊंगा फ्यूचर में जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा, तो तीन डिफरेंट स्टेट्स आपको पता चल गए एक है आपका पास्ट टेंस एक है आपका प्रेजेंट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस अब इन तीनों चीजों में एक कॉमन चीज़ आपने क्या देखा कि ये तीनों जो स्टेट्स है ये आपके टाइम रिलेटेड है टाइम कब वो एक्शन हो रहा है क्या वो हो चुका है क्या वो हो रहा है या क्या वो होने वाला है उस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एट विच एक्शन इज बींग टेकिंग प्लेस वी डिवाइड इन टू टेंसेस ठीक है अब मैंने क्यों बोला आई शेल होगा यहाँ पे आई विल नहीं क्योंकि जो शैल होता है स्टूडेंट्स आपका वो फर्स्ट पर्सन में यूज होता है फर्स्ट पर्सन मतलब अगर मैं बात कर रही करी अपने लिए तो मैं लगाऊंगी आई शैल आई विल नहीं लगाऊंगी विल होता है फर्स्ट पर्सन को छोड़ के कोई भी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ठीक है हमारे सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट ही तो है ना आई आई एंड आई ये तीनों आपके सब्जेक्ट्स हैं तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन आई या वी हुआ अब आई आपने आपको समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन आई मतलब मैं खुद के लिए बात रही हूँ और वी मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और तुम दोनों मिलके वी हुए तो जहां पर भी वी या आई हुआ सब्जेक्ट आपका लगेगा व शैल ठीक है तो ये जो शैल एंड विल वर्ब्स होते हैं ना बच्चों इनको हम बोलते हैं मोडाल वर्ब्स जो हम बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे अभी के लिए आप बस जानिए कि शेल एंड विल कैसे कहाँ लगते हैं ठीक है तो जहां पर भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आई या वी है वहां पर शैल लगाइए और जहां पर भी कोई बाकी सब जो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर उसमें विल लगाएंगे जैसे यू ही या शी एंड दे इन तीन इन सब में विल लगेगा सिर्फ आई एंड वी में शैल लगेगा इतना आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं टेंसिस चैप्टर की तरफ इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न दैट वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन हमने पहले चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन में क्या पढ़ा वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स दे शो एंड एक्शन क्या एक्शन हो रहा है वो हमें कौन बताता है वर्ब्स बताते हैं अब द वर्ब इन द टेंस विल शो द टाइम ऑफ एक्शन अब टेंसेस का मेन चीज़ जो है वो आपका डिपेंड करता है वर्ब पर और वो वर्ब वो एक्शन वर्ड कब हो रहा है कौन से टाइम पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमें टेंसेस जानने के लिए द वर्ब इन द टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन

अभी वर्तमान काल में जो हो रहा है उससे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं आज अभी करेंटली फ्यूचर टुमारो लेटर नेक्स्ट ईयर फ्यूचर मतलब जो भविष्य में होगा जो हुआ नहीं है जो होने वाला है नाउ वी विल रीड प्रेजेंट टेंस एंड एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट मतलब अभी के अभी इज सेट टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल ही रंस नाउ नाउ बता रहा है आपको कि वो अभी भाग रहा है सो so ये रन्स जो है आपका वर्ब वो आपका प्रेजेंट टेंस में हुआ एनी सेंटेंस गिवेन टू यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ही वो क्या कर रहा है एक्शन क्या कर रहा है रन कर रहा है कब कर रहा है नाउ कर रहा है तो ये नाउ जो है बता रहा है कि वो जो एक्शन रन कर रहा है वो अभी वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में कर रहा है ओके शी इज प्लेइंग विद अ डॉल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट शी क्या एक्शन कर रही है प्लेइंग इज प्लेइंग विद अ डॉल इज प्लेइंग मतलब अभी कर रही है शी इज प्लेइंग विद अ डॉल प्रेजेंट टेंस जो है आपके बहुत काइंड्स के हैं बट फॉर योर क्लास थ्री वी वुड बी लर्निंग अबाउट टू ऑफ इट्स काइंड्स एक्चुअली जो आपके प्रेजेंट टेंस है वो चार तरीके के होते हैं जो बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे अभी के लिए आपके लेवल के लिए हम सिर्फ दो समझेंगे एक जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ध्यान से पढ़ेंगे ये एक पैराग्राफ है इसमें कुछ हाईलाइटेड डार्क वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान दीजिए मैं रीडिंग कर रही हूँ Anna is very creative. Her full name is Ananya Jain. She likes to do a variety of things. She draws and paints very well. Every morning she exercises to stay healthy and eats fruits and green leafy vegetables. Anna sometimes helps her mother in the kitchen. She adores her aunt a lot. Her aunt's name is Surabhi. They have a lot of fun together. Both of them make greeting cards, play carom and cook pasta in the kitchen as well. So now that we have read this passage, isme ye jo highlighted words hai, aap ye part of speech me aate Ye kuch action Like draw, paint, exercise, eat, help, adore, make. Play, cook, ये सब कुछ action word है, कुछ doing words है। So हमने क्या पढ़ा था students? Action words are doing words को हम क्या कहते हैं? Verbs कहते हैं, exactly. So in the above story, the highlighted words are verbs in the simple present tense. hamara ye abhi simple present tense mein ye sare verbs hai Notes: Simple present tense is used to show a universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हम जिनको हम मानते हैं ठीक है थीके? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है देर आर ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे ये भी एक यूनिवर्सल ही है हमारे हर दिन में चौबीस घंटे हैं सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो हैबिचल एक्शंस दैट इज एक्शंस दैट वी डू रेगुलरली अब आप सोचिए कुछ एक्शंस आपके दिनचर्या में जो आप रेगुलरली करते हैं जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं रोज़ आप रोज़ एक क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड स्कूल जाते हैं इट ऑल्सो इज़ यूज टू शो वॉट समबडी और समथिंग इज और हैज़ तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंटेंस है वो दो चीज़ें दिखाता है क्या एक जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन यहाँ पे आपका रिवॉल्व जो है ये सिंपल प्रेजेंटेंस में है देर आर ट्वेंटी फोर आवर्स इन आर जो है आपका वर्ब है वो भी आपका बता रहा है सिंपल प्रेजेंटेंस मतलब इट इज अवर्सल ट्रूथ दर ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे दूसरा चीज आपका क्या बताता है सिंपल प्रेजेंटेंस कि इट इज यूज टू शो हैबिचल एक्शंस एक तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाया दूसरा टू शो हैबिचुअल एक्शंस लाइक एक्शंस दैट वी डू रेगुलरली आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग आई वेयर अ क्लीन यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल एंड तीसरा क्या बताता है इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो वॉट समबडी और समथिंग इज और हैज एग्जाम्पल टीना एंड आई आर फ्रेंड्स रेखा इज वेरी ग्रेशियस तो यहाँ पर जो आर एंड इज है ये बता रहे हैं कि रेखा कैसी है एंड टीना और मैं क्या है वॉट समबडी और समथिंग इज और हैज अब टिडबिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनिए वेनवर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही शी और इट अ प्रॉपर नाउन और अ सिंगुलर नाउन द वर्ब विल एंड विद अ एस और इट्स प्लोरल फॉर्म अब देखिए जहां पर भी आपका सब्जेक्ट हुआ क्या क्या हुआ ही हुआ या तो शी हुआ या फिर इट हुआ ठीक है एवर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही शी इट अ प्रॉपर नाउन और अ सिंगुलर नाउन द वर्ब विल एंड विद और इट्स प्लूरल फॉर्म ठीक है तो ही शी या इट सब्जेक्ट हुआ या फिर एक प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन मतलब कुछ नेम होगा जैसे राम या फिर दिल्ली तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा जो कि के साथ करेगा, जैसे जाएगा ठीक है हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो देखेंगे आइए अभी हम वर्कशीट नंबर वन करते हैं फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे हेल्प ऑली द ऑक्टोपस टू फिल इन ब्लैंक्स प्रेजेंट टेंस ऑफ द द ब्रैकेट्स ये सारे सेंटेंसेस में हमारे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स जो है आपके वर्ब्स हैं ठीक है थीके? अब हमें इनको इसमें करेक्ट फॉर्म में किस टेंस में लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है किसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स के सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर वर्ब्स कहाँ पे दिए गए हैं ब्रैकेट्स में ये जो है ये सारे आपके वर्ब्स दिए गए हैं इनका करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस निकाल के इन सब में हम भरेंगे इन ब्लैंक्स को वी विल फिल फर्स्ट सारा डैश स्टैम्प्स कलेक्ट अब देखिए सारा जो है आपका प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन हमने क्या पढ़ा वेनव द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ प्रॉपर नाउन द वर्ब विद द एस और इट्स प्लूरल फॉर्म सो कलेक्ट का हो गया आपका कलेक्ट के साथ आप एस लगा के कलेक्ट्स कर दीजिए क्यों क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट सारा है वो क्या है एक प्रॉपर नाउन है और हमारा रूल क्या कहता है जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है वर्ब में आप एस लगाएंगे ठीक है अब देखिए दूसरा वाला वी ऑलवेज डैश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स वॉश ठीक है अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ वी हुआ ठीक है सो ये जो आपका वी है ये आपका प्लूरल नाउन है लेकिन आपका ये रूल क्या कहता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हुआ तभी हम एस लगाएंगे बट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है ठीक है तो हम इस वॉश को वॉश ही लिखेंगे यहाँ पे ठीक है वी ऑलवेज वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स आपको क्या याद रखना है अगर आपका सब्जेक्ट ही शी या इट है या फिर एक प्रॉपर नाउन है या फिर एक सिंगुलर नाउन है यहाँ पे ये यह सिंगुलर नहीं है ये प्लूरल है ठीक है अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में ही शी या इट है या फिर एक प्रॉपर नाउन है या एक सिंगुलर नाउन है तभी वर्ब एंड होगा आपका एस के साथ ठीक है या फिर उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है ठीक है सो फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्लियर है क्यों एस लगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है सब्जेक्ट ये जो दू दूसरा सेंटेंस में ये सिंगुलर नहीं है ये आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसीलिए इसमें एस नहीं लगेगा ये ऐसे ही रहेगा बेस फॉर्म में ही रहेगा अब थर्ड वाला देखते हैं माई पेरेंट्स डैश आर पेट डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग टेक है आपका वर्ब टेक को क्या आप चेंज करोगे आप ध्यान में पहले रखिए ये तीन चीजें ही शी या इट होना चाहिए या तो एक प्रॉपर नाउन होना चाहिए या सिंगुलर नाउन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है पेरेंट्स पेरेंट्स इज प्लूरल तो प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट में आपका टेक ही रहेगा एस नहीं लगेगा अगर यहाँ पे होता माई फादर या माई मदर तो सिंगुलर नाउन हो गया तब यहाँ पर टेक्स के जगह टेक के जगह टेक्स होता एस हम लगा देते ठीक है बट क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल नाउन है इसीलिए ये सेम वर्ब यहाँ पर ही लिखेंगे विदाउट द एस ठीक है नेक्स्ट नंबर फोर माई सिस्टर डैश हर फर्स्ट जॉब टूडे बिगिन सिस्टर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन इसीलिए हम इसको एस जोड़ेंगे द ट्रेन डैश द स्टेशन एट नाइन ए एम लीव सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए लीव में एस जोड़ के इसको लीव्स कर देंगे प्रिया डैश हर होमवर्क रेगुलरली प्रिया जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड डू का जो आपका वर्ब बन जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो डज होता है ये आप ध्यान में रखिए ये इम्पॉर्टेंट है डू का आपका हो जाता है वर्ब डज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आई होगा आई डू माई होमवर्क रेगुलरली होता ठीक है बट यहाँ पर प्रिया है यहाँ पे प्रिया जो है आपका प्रॉपर नाउन है सो so, प्रिया डज अ होमवर्क रेगुलरली ये डू का जो है प्लूरल वर्ब है डज डू जो है डज जो आपका है प्लूरल वर्ब हो जाता है ठीक है हमने क्या पढ़ा था जब भी सब्जेक्ट आपका ही शी या इट हो या एक प्रॉपर नाउन हो यहाँ पे प्रिया एक प्रॉपर नाउन है तो वो जो वर्ब है यहाँ पे जो डू है वो एंड करेगा आइदर एस के साथ या उसके प्लूरल फॉर्म के साथ तो डू का जो प्लूरल फॉर्म है वो डज होता है ठीक है इनको हम बोलते हैं इरेग्यूलर वर्ब्स ये सब जो लीव बिगिन जो सिर्फ एस एस लगा के प्लूरल फॉर्म करते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे डू का प्लूरल डी ओ एस नहीं होता वो हो जाता है डी ओ ई एस इसको हम बोलते हैं इरेग्यूलर वर्ब्स ओके तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए अब वर्कशीट टू करेंगे स्टूडेंट्स यूजेज एंड कॉम्पोजिशन लेट्स मेक अ बनाना शेक मेटीरियल रिक्वायर्ड टू बनाना टू टी स्पून ऑफ शुगर वन ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क अब देखिए यहाँ पर हमें बनाना शेक बनाना है किसके साथ बनाना है मेटीरियल्स क्या है हमारे दो केले दो टी स्पून ऑफ चीनी और एक ग्लास ठंडा दूध अब पढ़िए मेथड पढ़िए यहाँ पर Take two bananas and peel them. Chop them into small pieces. Put them in a bowl and add two teaspoonful of sugar. Take a glass of cold milk and mix it with the banana mixture. Put the liquid in a blender and blend well. The shake is ready. Pour it into two glasses. Enjoy the banana shake. Up passage to hamne the Up kya what is hai. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गि सेंटेंसेज एंड राइट दन बिलो अब इस पैसेज में वर्ब्स हमें अंडरलाइन करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं तो आइए पहले वर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब्स क्या है स्टूडेंट्स एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स जो कुछ एक्शन दिखाते हैं या बतलाते हैं उन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं सो टेक टू बनानाज पहला सेंटेंस देखिए टेक टू बनानाज एंड पील देम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हम दो बनानाज ले रहे हैं तो टेक अंडरलाइन टेक एज योर वर्ब एंड पील देम उनको छीलिए छीलना भी एक काम है तो ये भी एक वर्ब है पील नेक्स्ट सेंटेंस देखिए चॉप देम इन टू स्मॉल पीसेस यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स यस yes. हम जो बनाना को छीले हैं उनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो चॉप काटना इज योर वर्ब थ्री पुड दम इन अ बोल एंड एड टू टी स्पून फुल ऑफ शुगर यहाँ पर अभी हम क्या एक्शन कर रहे हैं उसको एक बोल में डाल रहे हैं वॉट आर वी डूइंग वी आर पुटिंग दैम इन अ बोल पुट दैम इन अ बोल एंड एड हम एड कर रहे हैं दो चम्मच चीनी सो so, एड भी आपका हो गया एक वर्ब फोर्थ वाला सेंटेंस में वर्ब्स देखेंगे क्या है टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क एंड मिक्स इट विद द बनाना मिक्सचर हम एक ग्लास ठंडा दूध लेंगे सो टेक इज योर वर्ब एंड मिक्स इट एंड उसको मिक्स करेंगे विद द बनाना मिक्सचर तो मिक्स भी जो है आपका एक वर्ब हो गया एक्शन वर्ड हुआ पुट द लिक्विड इन अ ब्लेंडर उसको एक मिक्सी जार में या ब्लेंडर में डालिए सो so, पुट हम उसको डाल रहे हैं वो होता है पुट एंड ब्लेंड वेल ब्लेंड वेल मतलब मिक्स वेल सो ब्लेंड भी आपका एक एक्शन हो गया द शेक इज रेडी अब सिक्स में देखिए पोर इट इंटू टू ग्लासेस इक्स इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है पोर पोर इट इंटू टू ग्लासेस एन्जॉय द बनाना शेक अब एन्जॉय भी जो है एक एक्शन है हम एन्जॉय कर रहे हैं सो एन्जॉय इज योर वर्ब सो वो सारे वर्ब्स हमने जो अंडरलाइन किए हैं आई हैव रिटन इट डाउन योर पहले आप खुद कीजिए समझिए फिर आप इसको यहाँ पर लिखिएगा स्टूडेंट्स अब वर्कशीट नंबर थ्री हेल्प बिनी द बी टू सर्कल एंड करेक्ट द प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर ईच सेंटेंस पहला सेंटेंस है माय सिस्टर जंप या जम्प्स ऑन द बेड अब हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप कुछ छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखेंगे हमने क्या पढ़ा था पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट है हमारा सिस्टर सिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है सिंगुलर है अब सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या लगेगा वर्ब एस के साथ लगेगा ठीक है तो माय सिस्टर जम्प्स ऑन द बेड हमने यहाँ पे पढ़ा था ना स्टूडेंट्स तीन चीजें यहाँ पे वेन अव द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही शी या इट या फिर एक प्रॉपर नाउन और अ सिंगुलर नाउन उसमें जो वर्ब फॉलो होगा वो एंड करेगा एस के साथ या फिर वो वर्ब के प्लूरल फॉर्म जो भी होगा उसमें एंड करेगा तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट सिस्टर सो so, सिस्टर सिंगुलर नाउन है इसीलिए जंप्स होगा जंप नहीं होगा उसमें एस लगेगा और जंप्स हो जाएगा उसका वर्ब माई सिस्टर जंप्स ऑन द बेड ओके स्टूडेंट्स ग्रामर में हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है ठीक है सेकेंड रोहन लाइक या लाइक्स टू वॉच फुटबॉल रोहन अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन में एस लगता है इसीलिए लाइक्स रोहन लाइक्स टू वॉच फुटबॉल फादर अनपैक या अनपैक्स सुटकेस आफ्टर ए स्ट्रिप फादर सिंगुलर नाउन इसीलिए एस लगेगा अनपैक्स आर एफ ऑयल या ऑयल्स द व्हील्स ऑफ ए टॉय कार आर एफ सिंगुलर नाउन इसीलिए एस लगेगा उसके वर्ब में ऑयल्स The guard dog growl या growls at the strangers. Subject आपका singular noun. Dog singular noun है इसीलिए growls s लगेगा Potatoes grow या grows under the ground. अब ये देखिए potatoes आपका singular noun है या plural noun है Plural noun है तो plural noun में आपका s नहीं लगेगा verbs में So potatoes ग्रो अंडर द ग्राउंड ये इम्पॉर्टेंट है इतना अगर आपने डिफ्रेंस समझ लिया तो आप कर सकते हैं कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर एस नहीं लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट जो आप पहला चीज़ सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट आपका क्या ही शी या इट है या फिर एक प्रॉपर नाउन है या फिर एक सिंगुलर नाउन है अगर ये सब क्राइटेरिया या ये सब चीजें हैं सब्जेक्ट तो आपका जो वर्ब होगा उसमें एस एड करेंगे या तो वो वर्ब का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे ठीक है अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो वर्ब जैसे का तैसा ही लगेगा विदाउट द एस ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस मिस्टर एंड मिसेस कुमार आर सिटिंग इन द लॉन देयर सन आर्यन इज प्लेइंग विद देयर डॉग मिस्टर कुमार इज रीडिंग द न्यूज़पेपर देयर डॉटर इज कटिंग द ग्रास मिसिस कुमार इज पोरिंग टी अब देखिए इन सब सेंटेंसेस में कुछ कॉमन है क्या कॉमन है जो भी वर्ब्स है ना स्टूडेंट्स इनमें आई एन जी लग रहा है आर सिटिंग इज प्लेइंग इज रीडिंग इज कटिंग इज पोरिंग सिट हो गया सिटिंग प्ले हो गया प्लेइंग रीड हो गया रीडिंग कट हो गया कटिंग एंड पोर हो गया पोरिंग सो so ऐसे जब वर्ब में आई एन जी वर्ड्स लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंटीन्यूअस शब्द जहाँ पर भी आएगा स्टूडेंट्स ऑलवेज यू नो दैट आई एन जी इज प्रेजेंट आई एन जी फॉर कंटिन्यूस टेंस ना द हाईलाइटेड वर्ब्स आर ऑल इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नाउ वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फॉर एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी हम बात करते हुए कुछ एक्शंस जो हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट अभी हो रहा है कंटीन्यूअस टेंस में हो रहा है फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन ब्रेक द वर्ड्स प्रेजेंट मतलब नाउ कंटीन्यूअस मतलब एक्शन जो अभी प्रोग्रेस हो रहा है अभी का अभी हो रहा है एंड टेंस इज़ द स्टेट ऑफ द वर्ब ठीक है प्रेजेंट नाउ कंटिन्यूअस एक्शन दैट इज प्रोग्रेसिंग नाउ एंड टेंस इज द स्टेट ऑफ द वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब ये कैसे फॉर्म होता है उसका एक फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखिए इज एम और आर के साथ हम वर्ब को जोड़ेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी जी को जोड़ेंगे हमारा ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंपल सॉरी um, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे फॉर्म होता है इज एम और आर के साथ वर्ब के साथ आई जोड़ेंगे ठीक है अब इज एम और आर क्या है स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्ब्स वाले चैप्टर तो चैप्टर नंबर थर्टीन में पढ़ाया था ये हमारे टू बी वर्ब्स है टू बी वर्ब्स को भी हम क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स अब कुछ सेंटेंसेस में हमारे मेन वर्ब के साथ जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है सो इज़ एम या आर के साथ जुड़ेगा आपका वर्ब और वर्ब के साथ आई अब हर सेंटेंस में तो इज एम आर तीनों नहीं लगेंगे वी हैव टू डिटरमाइन कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इन तीनों में से कौन सा वर्ब लगेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है या फिर आपका टू बी वर्ब्स भी कहलाते हैं और उनके साथ जुड़ेगा आपका मेन वर्ब सेंटेंस का और मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा आपका आई ये जो फॉर्मेट है आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेट ठीक है अब देखते हैं फॉर शॉर्ट वर्ब्स लाइक सिट हॉप डबल द लास्ट लेटर एंड एड आई एन जी ऐसे कुछ वर्ब्स है जो छोटे छोटे वर्ब्स है सिट हॉप तो ये जो लास्ट लेटर्स है ना एस आई टी में टी और एच ओ पी में पी उनको हम क्या करेंगे वर्ब फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे कंटिन्यूस में ये लास्ट वर्ड्स को हम एल्फेब्स को हम डबल कर देंगे एस आई टी को एस आई टी टी और आई एन जी जोड़ देंगे एच ओ पी को एच ओ पी पी आई एन जी कर देंगे ठीक है फॉर वर्ब्स एट एंड इन वाई लाइक क्राई ट्राई एट आई एन जी क्राई में आप आई एन जी लगा दीजिए क्राइंग हो गया ट्राई में आई एन जी लगा दीजिए ट्राइंग हो गया ना फॉर वर्ब्स एट एंड इन ई लाइक डांस ये ई को हटा के आई एन जी लगाएंगे ठीक है डांस हो जाएगा आपका डांसिंग एग्जाम्पल आर सिट इंग देखिए ये जो आपका फॉर्मेट है ना आइर इज एम या आर के साथ वर्ब जोड़ेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे hmm. तो अगर आपका सेंटेंस में आर आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आपका मेन वर्ब जो है सिट है उसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आर सिटिंग ये सिट हो जाएगा एस आई डबल टी और उसमें आई जोड़ दिया हमने ठीक है इज प्लेइंग वाई में क्या हो जाएगा आई जुड़ता है इज प्लेइंग नाउ लेट गो ओवर टू Worksheet number 4 Now, Candy the koala wants you to fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the brackets. One has been done for you. They are trying hard to finish their work. Up, आप पूछेंगे कि R क्यों लगा, is an and am क्यों नहीं लगा? ये हम already पढ़ चुके हैं, इसका fundamental क्या है हम पढ़ चुके हैं। दे जो है आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के, लग, के साथ लगता है आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है इज ठीक है सो दे आर लग गया हमें आप हमारा मेन फॉर्मूला क्या है आइदर इज एन या फिर आर के साथ हम लगाएंगे मेन वर्ब को प्लस मेन वर्ब के साथ आई जोड़ेंगे फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यही है ना हमारा फॉर्मूला Is, am and are के साथ मेन वर्ब लगेगा और मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा आपका आई एन जी इसीलिए यहां पर हमने पहले आइडेंटि किया सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए आर लगा दिया आर हो गया यहाँ पे फिर आर ट्राइंग कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब के साथ आई एनजी हमेशा लगेगा ये याद रखिए कंटिन्यूस मतलब वर्ब विल हैव आई एन जी सो आर ट्राइंग हार्ड टू फिनिश दर्क नंबर टू द चिल्ड्रेन डैश द रोलर कोस्टर राइड एंजॉय है आपका मेन वर्ब आपका एंजॉय है ठीक है अब फॉर्मूला क्या बोलता है पहले आइडेंटिफाई कीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है एक से ज़्यादा चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन होता है अब द चिल्ड्रेन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई अ वर्ब प्लूरल वर्ब क्या होगा इज एम एंड आर इन तीनों में से प्लूरल वर्ब कौन सा है आपका आर सो द चिल्ड्रेन आर अब मेन वर्ब एंजॉय प्लस आई एन जी एनजॉइंग आर एनजॉयंग एजॉय लिख के उसमें आई एनजी जोड़ दीजिए आर एनजॉइंग आर एनजॉइंग द रोलर कोस्टर राइड ऐसे आप करेंगे द ट्रेन डैश थ्रू अ टनल द ट्रेन जो है आपका क्या है इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका है ट्रेन मेन वर्ब आपका है पास ये पास है आपका मेन वर्ब ठीक है और ये ट्रेन जो है आपका सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नाउन इज फॉलोड बाय द वर्ब इन एस फॉर्म हम उसमें एस जोड़ेंगे सो द ट्रेन पासिस थ्रू अ टनल द ट्रेन बट यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखना है सो द ट्रेन इज पासिंग हो जाएगा इज पासिंग थ्रू अ टनल अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो द ट्रेन पासिस थ्रू अ टनल और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ट्रेन इज एम या आर लगाना है तो इज एम या आर में से कौन सा लगा यहाँ पे इज लगा क्यों इज लगा क्योंकि ट्रेन हमारा सिंगुलर है इसलिए ट्रेन इज फिर मेन वर्ब मेन वर्ब के साथ हमारा आईएनजी जुड़ेगा सो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल नंबर फोर द रैट डैश एट द ब्रेड क्रम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है रैट है सिंगुलर है या प्लूरल है सिंगुलर है मेन वर्ब क्या है निबल है मेन वर्ब आपका निबल है आपका फॉर्मूला क्या बोलता है आपका फॉर्मूला बोलता है कि द रैट फॉलोड बाई एम या आर सो so, यहाँ पर आपका क्योंकि रैट जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसीलिए हम लगाएंगे इज इज फिर आपका निबल है मेन वर्ब निब लिंग हो जाएगा ये आपका ये जो ई है वो हट जाएगा और हम उसको निबलिंग करेंगे देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना फॉर वर्ब्स एट एंड एंड ई लाइक डांस निबल एक्सेट्रा ड्रॉप द ई हमने ई e को ड्रॉप कर दिया निबल से एंड आई एन जी एड कर दिया सो so, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा तानिया डैश बटर ऑन द टोस्ट तानिया सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपका वर्ब होगा इज स्प्रेड हो जाएगा स्प्रेडिंग इज स्प्रेडिंग अब स्प्रेडिंग क्यों क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख रहे हैं जहां पर भी कंटिन्यूस टेंस आया आई एन जी आएगा वर्ब के साथ किस वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ ओके नाउ द शेफ डैश द वेजिटेबल शेफ सिंगुलर सब्जेक्ट इज चॉपिंग इज चॉपिंग मदर डैश अ चॉकलेट केक मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट मदर इज बेकिंग अ चॉकलेट केक द एरोप्लेन सिंगुलर सब्जेक्ट इज फ्लाई मेन वर्प उसमें आई एन जी जोड़ दीजिए बिकॉज प्रेजेंट कंटिन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अब ऑफ द क्लाउड्स तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेंस प्रेजेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है इतना तक क्लियर है अभी वी विल गो ओवर टू पास टेंस एंड एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट इज सेट टू बी इन द पास टेंस जो पहले हो चुका है पास्ट में उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं एग्जाम्पल आई एट एन आइसक्रीम मैं ऑलरेडी आइसक्रीम खा चुका हूँ शी वट टू स्कूल वो स्कूल जा चुकी है पास्ट टेंस आर ऑफ मैनी काइंड्स बट फॉर योर क्लास वी वुड बी लर्निंग अबाउट टू ऑफ इट्स काइंड सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस अभी यहाँ पर देखिए एक पैसेज है इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए सारे जो आपके वर्ड्स है वो किस में एंड हो रहे हैं ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी हैड जो है भी है आपका पास्ट टेंस का वर्ब है रैन भी आपका पास टेंस का वर्ब है पुष्ट ई डी वंडर्ड ईडी श्रग्ड इडी रोल्ड इडी वेंट गो का आपका पास टेंस है वेंट स्लेप्ट स्लीप का हो गया स्लेप्ट ठीक है नाउ ये जो सारे हाईलाइटेड वर्ड्स है ये सारे आपके वर्ब्स है पास टेंस वाले वर्ब्स इन द सिंपल पास्टेंस अब ये कैसे फॉर्म होते हैं ये हम पढ़ेंगे नाउ सिंपल पास्ट शोज एन एक्शन दैट टू प्लेस इन द पास्ट एग्जाम्पल ही प्लेड सॉकर जहाँ पर भी यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट ही वो क्या कर रहा है एक्शन क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं प्ले इज योर मेन वर्ब अब प्ले के साथ यहाँ पर ई डी जुड़ गया मतलब प्लेड ये हो गया आपका पास टेंस आई बॉट अ न्यू बुक लास्ट वीक लास्ट वीक में मतलब ऑलरेडी पिछले हफ्ते सो so, बॉट जो है आपका पास टेंस वाला वर्ब है नाउ वी चेंज द वर्ब्स इन टू पास टेंस इन द फॉलोइंग वेज अब देखिए कुछ नियम होते हैं कैसे हम पास टेंस को मेन वर्ब को टेंस में कैसे फॉर्म करेंगे आइदर तो हम ई डी एड करेंगे ठीक है अब ई डी कैसे ऐड करके होगा मेन वर्ब आपका लिख है उसमें ईडी हो गया तो लिख्ट मेन वर्ब रोल है ई डी रोल्ड कॉल मेन वर्ब है ई डी एड किए कॉल्ड तो ये एक तरीका हो गया बाई एडिंग ईडी टू द मेन वर्ब बाई एडिंग ईडी किसको एड कर रहे हैं हम लोग हम ऐड करते हैं टू द मेन वर्ब टू दिन वर्ब ठीक है अभी नेक्स्ट है बाई रिमूविंग वाई एंड एडिंग आई ई डी ठीक है कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि वाई में एंड होते हैं जैसे कैरी मैरी क्राई फ्राई तो उनमें हम क्या करेंगे जो लास्ट में जो वाई है उनको हटा देंगे और एड करेंगे आई ई डी सो कैरी हो जाता है कैरीड मैरी हो जाता है मैरिड क्राई हो जाता है क्राइड एंड फ्राई हो जाता है फ्राइड सो so, हमने दो तरह से पढ़ा एक तो ई डी एड किया और दूसरा जो वर्ड्स वाई में एंड हो रहे हैं उनमें से वाई हटा के आई ई डी जोड़ दिया ये दो हो गए अब तीसरा है समटाइम्स बाई रिपीटिंग द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ब एंड एडिंग ईडी जैसे कि रब रब को हम क्या करेंगे डबल बी करके ईडी ज्वाइन कर देंगे तो रब हो गया रब्ड पास टेंस में बैग हो गया बेग्ड ठीक है सम वर्ड्स चेंज वर्ब्स चेंज कंप्लीटली जैसे रन का हो जाता है रैन स्लीप का हो जाता है स्लैप्ट ठीक है अब टिडबिट्स में पढ़ेंगे समटाइम्स पास टेंस शोज एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर फॉर एग्जाम्पल ही केम चेंज हिज क्लोज एंड स्लैप्ड अब वो आया अपने कपड़े बदले और सो गया ही चेंज्ड एंड स्लैप्ड ये दोनों एक्शंस दो एक्शंस दिखा रहे हैं पास्ट में तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें दो एक्शंस होते हैं अब देखिए कुछ और वर्ब्स हैं जो पूरा एकदम कंप्लीटली अलग होते हैं अपने बेस फॉर्म से टीच टीचेड नहीं होता है टीच्ड नहीं होता है ईडी नहीं जुड़ेगा यहाँ पे टीच का हो जाता है टॉट फाइट फाइटेड नहीं फॉट बाई बाइड नहीं बॉट से सेड नहीं सेड टेल टेल्ड नहीं ईडी नहीं लगेगा यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा फॉल फॉल हो जाता है फेल सो so, ये सब चीजें आप प्लीज इसको याद कीजिए ठीक है ये है जो रेगुलर फॉर्म्स में नहीं होते इनको इरेग्युलर वर्ब्स बोलते हैं जो बड़े क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी के लिए आप इनको याद कीजिए अब कुछ ऐसे वर्ब्स भी है जो बिल्कुल चेंज नहीं होते पास टेंस में जैसे हिट का हिट ही रहेगा कट का कट शट का शट हर्ट का हर्ट पुट का पुट ये भी आप प्लीज इनको मेमोराइज कीजिए ठीक है अब चलिए वर्कशीट के तरफ चलते हैं राइट द सिंपल पास टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। स्टैंड का क्या हो जाएगा स्टूड ठीक है स्टैंडर्ड ने स्टूड वॉक 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 का हो जाएगा स्लीप का हो जाएगा स्लिप्ट बाय बॉट। जंप जंप्ड। क्राइड क्राइड का वॉक्ट है प्ले प्लेड इट एट वर्कशीट सिक्स कैंडी द कोला इज बैक विद अनदर फॉर्म ऑफ टेंस ही यू टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द विद्पल पास ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं उनका आप सिंपल पास टेंस में लिखिए मदर डैश द डोर फॉर अस ओपन इज द मेन वर्ब मदर ओपन द डोर फॉर अस स्नेहा ट्राई टू फिक्स द लैम्पेंस ट्राइड वाई हटा के आईडी जोड़ेंगे ट्राइड हो जाएगा अब जॉय पैट हिस्स टी को डबल टी करके पास फॉर्म रीटा वाइप द ग्लास वाइप डी ईडी एड करेंगे द वर्कर्स वर्क टिल टेन इन द नाइट पास टेंस वर्क का वर्कड राहुल हिट द बॉल ओवर द नेट राहुल हिट क्योंकि हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने प्रेजेंट टेंस में जैसे रहते हैं पास्ट टेंस में वैसे ही रहते हैं उनमें से हिट कट शट हर्ट पुट है इसको आप याद रखेंगे तो आराम से आपका वर्कशीट हो जाएगा ठीक है आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हिट को हिटेड लिखना है क्योंकि आपने याद रखा है कि हिट का हिट ही रहेगा पास्ट में ठीक है तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखने हैं आई हर यर अ लाउड नॉइज लास्ट नाइट यर का हर्ड ठीक है नॉट एच ई ए आर ई डी नहीं एच ई ए आर डी फादर टेक अस टू द कार्निवल टेक का हो गया टुक ये इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है ये नॉर्मल डी या ई डी जोड़ के नहीं होते ये कुछ और ही फॉर्म लेते हैं इसीलिए इन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार आपको आ जाएगा आराम से अब वर्कशीट सेवन सर्कल द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर ईच ऑफ द वर्ब अब मैरी शो ट्रैप ब्लूम शेयर से रेड ये सब आपके मेन वर्ब्स है इनका हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास टेंस में करेंगे पास टेंस फॉर्म सो मैरी का क्या हो जाएगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मेन वर्ब्स वाई में एंड होता है उनका पास टेंस कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वाई को हटा के आई ई डी जोड़ के सो मैरिड इज द करेक्ट वन शो शो का हो जाएगा शोड ये रेगुलर वर्ब है आपका ईडी जोड़ के हो गया ट्रैप अब देखिए कुछ वर्ब्स में हम क्या करते हैं इनको डबल करके इनमें ईडी लगा देते हैं सो ट्रैप्ड डबल पी ई डी अब ब्लूम ब्लूम में रेगुलर वर्ब बस ईडी जोड़ के ब्लूमड हो गया शेयर Share का शेरड एस एच ए आर ई डी बस डी लगा के हो गया से का क्या हो गया सेड ऐसे आई डी सेड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रेड का रीड सॉरी यह रीड है ये रेड है ठीक है इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये रीड जो है ये पास टेंस में सेम रहता है लेकिन उसको हम बोलते हैं बोलते हैं रेड ही रेड द बुक ठीक है नॉट ही रीड द बुक ओके दिस इज हाउ इट इज डन नाउ वर्कशीट एट में पेनी द पेनग्विनसेज गो फ्रॉम प्रेजेंट इन टू द पास्ट प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में जाइए अंडरलाइन कीजिए वर्ब को एंड सेंटेंस को चेंज करिए इन टू द सिंपल पास्ट टेंस वन हैज बीन डन फॉर यू हमें क्या करना है वर्ब को अंडरलाइन करना है पहला वाला किया गया है द फायर मैन रेस्क्यूज क्रेश फ्रॉम द फायर सब्जेक्ट कौन है फायर मैन उसने क्या किया एक्शन वर्ड रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू आपका वर्ब है रेस्क्यूज जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है उसको हम पास्ट टेंस में करेंगे रेस्क्यू का पास्ट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स रेस्क्यूड द फायर मैन रेस्क्यूर्ड क्रेश फ्रॉम द फायर ठीक है ऐसे ही सेकेंड वाला करते हैं फादर पेज द बिल्स ऑनलाइन सब्जेक्ट कौन है फादर है क्या एक्शन कर रहे हैं बिल पे कर रहे हैं तो पेज को अंडरलाइन कीजिए वर्ब के तौर पे आप लिखिए फादर पेज द बिल्स ऑनलाइन फादर पेड पी ए वाई पी ए वाई एस हो जाएगा आपका फादर पेड पी ए आई डी पेड द बिल्स ऑनलाइन ठीक है यहां पर पेज का हो जाएगा प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा पेड पी ए आई डी सो फादर पेड द बिल्स ऑनलाइन शीना रिमूव हूट्स शीना सब्जेक्ट क्या कर रही है रिमूव कर रही है अपने बूट्स को रिमूव इज द एक्शन वर्ड वर्ब योर शीना रिमूव बूट्स आपका पास्ट टेंस में हो गया अब देखते हैं द बोट ओवर टर्न इन द स्टॉम एक्शन क्या हो रहा है ओवर टर्न हो रहा है सो द बोट ओवर टर्नड इन द स्टॉम इन पास द लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस फ्लैशेज अक्रॉस द सी फ्लैश इज योर एक्शन वर्ड द लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस फ्लैश अक्रॉस द सी ठीक है इसको हमने अंडरलाइन किया वर्ब्स को या एक्शन वर्ड्स को एंड फिर प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स को पास्ट टेंस में करके सेंटेंस को दोबारा लिखा ओके नाउ वर्कशीट नंबर नाइन कंप्लीट द स्टोरी ऑफ सिंद्रेला यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस अ फेरी गॉड मदर मैजिकली एप्योर एप्योर का एप्योर्ड इन फ्रंट ऑफ सिंद्रेला शी डिसाइड डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर गर्ल शी वेव वेव का वेव्ड हर मैजिक वॉन्ट एंड चेंज्ड

To enjoy the ballroom dance. Hum verbs jo have highlighted verbs past tense. Mein convert karke kar rahe. However, she was warned to return home at the stroke of midnight. Cinderella reached the ballroom. Everyone looked at her and admired her. The prince requested her to dance with him. Cinderella and the prince swayed to great music. But at the stroke of मिड नाइट शी लीव का हो जाता है लेफ्ट पास ऑफ लीव इज लेफ्ट द प्रिंस हैंड एंड रश्ड आउट रश का हो जाता है रश्ड ठीक है अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था वैसे ही हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे अब देखिए कंटिन्यूस मतलब आपका वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जुड़ेगा ठीक है सो पास्ट में आपका वॉज या वर्ब के साथ वर्ब प्लस आई इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था इज या एम या आर उनके साथ हम जोड़ रहे थे वर्ब प्लस आई एन जी अब सिंपल पास्ट ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये ऐसे होता है ठीक है और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर्ब के साथ वर के साथ वर्ब लगेगा प्लस आई लगेगा ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं शी वॉज टॉकिंग वाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट अब वॉज क्यों क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज लगेगा गिरिश वॉज प्लेइंग सॉकर विथ हिज नेबरहुड फ्रेंड्स वॉज क्यों लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट गिरिश मदर वॉज टीचिंग मी वेन फादर केम होम वाई वॉज वाई नॉट वर क्योंकि मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है

अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पास कंटिन्यूस टेंस हम पहले डिसाइड करेंगे वॉज या वर लगेगा वो हमने डिसाइड कर लिया किस बेसिस पे डिसाइड किया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए हमने वॉज लगाया अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते तो हम वर लगाते अब ये तो हो गया पास कंटिन्यूस के लिए पास कंटीन्यूस टेंस में वॉज या वर डिसाइड कर लिया अब उनमें वर्ब लगाएंगे और वो वर्ब के साथ आई जोड़ेंगे इसीलिए वॉज टॉकिंग वॉज प्लेइंग वॉज Teach -ing, was pour -ing, was playing, was ride ing ride R I D E e हट के आई एन जी हो जाता है ठीक है ये सब छोटे छोटे चीजें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से एग्जाम में आ जाएगा वर्कशीट नंबर टेन करते हैं ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द हैज बीन डन फॉर यू आपका पास कंटिन्यूस टेंस क्या बोलता है कि पहले हम डिसाइड करेंगे वॉज या वर लगेगा उसके बाद उसमें जोड़ेंगे हमारा मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ जोड़ेंगे आई एन जी ये आपका पास कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखिए अब आइए करते हैं एक्स वर्कशीट नंबर टेन आदित्य वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ फ्रेंड्स क्यों वॉज लगा आदित्य सिंगुलर सब्जेक्ट मदर वॉज पोरिंग जूस इन टू अ ग्लास वॉज क्यों क्योंकि मदर सिंगुलर सोनिया वॉज पैकिंग हुक्स इन टू हर स्कूल बैग वॉज क्यों लगा सिंगुलर सब्जेक्ट अब ये देखिए ध्यान से द चिल्ड्रेन डैश क्वाइटली सिट आप यहाँ पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये प्लूरल सब्जेक्ट है दिस चिल्ड्रेन इज योर प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए वर लगेगा उसके बाद क्या लगेगा सिट इंग सिटिंग टी जो है डबल टी होके आई एन जी हो जाएगा सो द चिल्ड्रेन वर सिटिंग क्वाइटली workers dashed the walls of the room paint workers plural subject plural subject were main verb paint ke saath, ing judke, the workers were painting the walls of the room theek easy next the teacher dashed the assignments check teacher singular subject was checking the assignments the teacher was

future tense an action that is going to take place at some point of time in future is said to be in the future tense abhi bhavishyakal mein jo hone wala hai jo hua nahi hai jo ho nahi raha hai use hum bolte hain future tense we form future tense by adding shall or will with the verb arnav will join the air force when he grows up abhi wo chota hai jab wo bada ho jayega to he will join the air force पूर्वी विल हेल्प यू विद द साइंस डायग्राम पूर्वी तुम्हारी मदद करेगी आई विल क्लीन द बुक शेल्फ ये विल नहीं होगा ये होगा आई शैल क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको आई एंड वी के साथ आपका शैल लगता है ये ध्यान में रखिए ये बुक में जहां पर भी आई के साथ विल है दैट इज रॉन्ग नेक्स्ट वर्कशीट नंबर लेवन आई डैश माई स्कूल बैग पैक आई आई के साथ क्या लगेगा आपको यहां पे फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब्स को करना है आई शैल पैक माई स्कूल बैग ठीक है आई के साथ हमेशा शैल लगता है यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी होगा तो इट विल बी फॉलोड बाई शैल नॉट बाई सोनिया डैश द पियानो फॉर द कॉन्सर्ट सोनिया विल प्ले द पियानो फॉर द कॉन्सर्ट आई एंड वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हुआ दैट विल बी फॉलोड बाई ओके और अगर आपका सब्जेक्ट में आई एंड वी है तो

तो ये ध्यान में रखिए आप कि जहां पर भी आपका सब्जेक्ट आई या वी हुआ इट विल बी फॉलोड बाय शैल एंड शैल एंड विल हम कहां पर यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं ठीक है सो विद एंड ऑफ योर टेंसेस चैप्टर आई होप ऑल योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर विद एक्सप्लेनेशन अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मैं दोबारा आपको समझाऊंगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स थैंक यू